आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उज्जैन से है, जहां खाद्य विभाग की जमाखोरी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में 70 करोड़ की सोयाबीन जब्त की गई है। चंदूखेड़ी के अवि एग्रो बिजनेस लिमिटेड पर कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रदेश की पहली ये बड़ी कार्रवाई, खाद्य विभाग की जमाखोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई है। कार्रवाई में 70 करोड़ की सोयाबीन जब्त की जा चुकी है। तो चंदूखेड़ी के अवि एग्रो बिजनेस लिमिटेड पर कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रदेश की पहली बड़ी कार्रवाई, खाद्य विभाग की जमाखोरी को लेकर ये कार्रवाई लगातार जारी है। 70 करोड़ की सोयाबीन अब तक जब्त की जा चुकी है। तो चंदूखेड़ी के अवि एग्रो बिजनेस लिमिटेड पर कार्रवाई लगातार जारी। और अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस कार्रवाई से जुड़ी? बिल्कुल बताना चाहेंगे, प्रदेश में सबसे बड़ी जो कार्रवाई है इसमें सबसे महम जो अहम मुद्दा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का, जिस प्रकार तेल में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही, कीमतों बढ़ रही, तो उसकी जो बड़े थोक व्यापारी है वो कालाबाजारी करते हैं, कालाबाजारी के साथ वो बड़ी मात्रा में तेल इधर उधर से लेकर स्टॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जन जो है वो प्रभावित होता है। आम जन को सस्ते में तेल मिल पाए उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिए थे कि तत्काल ये कार्रवाई करें। तो उसी तरह जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन में टीम गठित करते हुए खाद्य आपूर्ति निगम के मोहन जो मारू हैं वो लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार इतने बड़ी मात्रा में तेल का स्टॉक और सोयाबीन का जो स्टॉक है उसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की कही जा सकती है, क्योंकि 70 करोड़ का माल जब्त कर उनके ऊपर कार्रवाई को शिकंजा कसा है। चलिए, शुक्रिया संतोष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खाद्य विभाग की जमाखोरी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ की सोयाबीन अभी तक जब्त की जा चुकी है। चंदूखेड़ी के अवि एग्रो बिजनेस लिमिटेड पर कार्रवाई लगातार जारी। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रदेश की पहली बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। खाद्य विभाग लगातार जमाखोरी को लेकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है, लेकिन पहली बड़ी कार्रवाई प्रदेश की।